कहना है कि सनातन विरोधी कांग्रेस सरकार बदले की कार्रवाई करके चुनिंदा केस में एक रामभक्त की गिरफ्तारी कर रही है, वो भी 31 वर्ष पुराने एक मामले में। कांग्रेस सरकार का कहना है कि जिस युवक की गिरफ्तारी की गई है वो 1992 के दंगों का आरोपी है और कानून अपना काम कर रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी कर्नाटक की यूनिट आज पूरे राज्य में प्रोटेस्ट का कॉल दिया हुआ है। अभी इस वक्त मैं फ्रीडम पार्क में हूँ, आप देख सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट में पोस्टर्स लेके सब लोग आए हुए, कार्यकर्ता आए हुए। इनका एक ही मांग है कि जिस कर सेवक को अरेस्ट किया है उसको रिलीज करने के लिए, और जो 30 साल के बाद केस को रीओपन किया है। बीजेपी का ये कहना है कि हिंदू कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का एंटी हिंदी सेंटीमेंट्स जो है वो बाहर आ रहे हैं, बीजेपी का ये कहना है। और इस वक्त